पिछले बार से तो हमारी सीटें घटी है। पिछले बार हम यहाँ पर 15 में 16 जीते थे। नीतीश कुमार जी का बिहार में जो काम है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए, विकास किया है, तरक्की किया है। जब से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ आए हैं, लगातार बिहार को धनराशि मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, और केंद्र में सरकार बनने जा रही है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया, उसके लिए देश की जनता का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी बनाएंगे। बिहार के सरकार के मुखिया और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा सहयोग है, उनको पूरा समर्थन है। जेडीयू का पूरा सहयोग और समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी जिस एलआई के साथ रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि बिहार में भी अच्छा रिजल्ट हुआ। सर 12 एमपी हैं, पिछले बार से आपके ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो लगता है कि बिहार के प्रदेश को बनना चाहिए, पोर्टफोलियो बड़े पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद रखते हैं हम लोग। पिछले बार से तो हमारी सीटें घटी है। पिछले बार हम यहाँ पर 15 में 16 जीते थे, और इस बार कम सीट हम लोग जीते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं। जिस तरह से असत्य का सहारा, जिस तरह से असत्य का सहारा लेकर विपक्ष काम कर रहा था, अनर्गल बात कर रहा था, तो इस परिस्थिति में भी हम लोगों ने जो अपना परचम लहराया है, वो नीतीश कुमार जी का बिहार में जो काम है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए, विकास किया है, तरक्की किया है, और 2005 के पहले का बिहार नहीं बने, इसके लिए बिहार की जनता ने हम लोग को जनादेश दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब इनमें सरकार बन गई है, बिहार की विशेष राज्य की दर्जा नहीं, बिहार को तो जब से नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ आए हैं, लगातार बिहार को धनराशि मिल रहा है, और जहाँ जहाँ बिहार में जो कमी है, जहाँ जहाँ और बिहार को आगे बढ़ाना है, उसमें और भी भारत सरकार का सहयोग मिलेगा, और हम लोग का जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा है मिलने का जहाँ तक सवाल है, तो विशेष राज्य का दर्जा का जो प्रश्न है वो खत्म थोड़ी हुआ है, और कहीं कमी देखेगी तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी केंद्र सरकार देगी। एक सवाल है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो इशारों इशारों में नीतीश कुमार को ऑफर भी कर सकते हैं कि दे रहे हैं बनाने की बात। कल तक तो नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहते थे, थकते नहीं थे, और आज कसीदा करने में भी थक नहीं रहे हैं। स्टील है नीतीश कुमार जी, जहां खड़ा होता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। तरह तरह की बात करते थे, 3 नंबर की पार्टी हम लोग कहते थे, हम लोग कहते थे कि क्या क्या बोलते थे, वो बात का हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं। जो लोग यह बात कहते थे, आज उनको पता चल गया होगा, देश में नीतीश कुमार का जो जलवा है, बिहार में जो नीतीश कुमार जी का काम है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है, और उसी मिशन पर 2025 का हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के बिहार को और तेजी के साथ और तरक्की, बिहार में और अमन शांति के साथ बिहार को